लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मॉर्निंग सर, आपने कुछ मैगजीन्स मंगवाई थी? रख दो सर, और कोई काम मेरे लिए? सुबह सुबह काम की बात, अभी तो सोकर उठा हूं। दादी दादी दा लरी रा, सुबह हो गई। कौन? पहचाना नहीं? सुजी। केश, राकेश, माना कि तुम्हारी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल था कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में खास जगह है। इस खुशफहमी की वजह? मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहती हूँ। डार्लिंग, जानती हो मुझे सब लड़कियाँ यही कहती हैं। एंड यू नो व्हाई? इसलिए कि मेरे पास बहुत रुपया है और मैं अभी तक कुंवारा हूँ। बाय स्वीटहार्ट। Yes. Hi, Rakesh. Dolly here. Where, darling? तुम्हारे स्विमिंग पूल पे। सुना है सरकार उड़ गए हैं। Darling, तुम मेरे लिए काम करोगी? हुकुम करो सरकार। स्विमिंग पूल में छलांग लगा दो और फिर कभी ऊपर नहीं आना। Promise? Morning, uncle. Good morning, बेटा। कहीं बाहर जा रहे हो? कोई काम था क्या? हाँ, कुछ चेक साइन करवाने थे। लाइए, कर देता हूँ। आज शाम 4 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। कैंसिल कर दीजिए। बिजनेस का मामला है बेटा, तुम्हारे फायदे की बात है। फायदा बहुत हो चुका है और दौलत भी बेहद जमा हो चुकी है, बल्कि दौलत मेरी जिंदगी का बोझ बन गई है। मैं तंग आ चुका हूँ। और कोई काम तो नहीं था मुझसे? बेटा, तुम्हारे नाम एक रजिस्टर्ड लेटर है, पढ़ लीजिए। पर्सनल था इसलिए मैंने खोला नहीं। पर्सनल और आपसे? आज तक मैंने आपसे कोई चीज छुपाई है अंकल? खोलिए और पढ़ लीजिए। अच्छी बात है। छोटे बाबू, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। पिछले 2 महीनों से मैं सख्त बीमार हूं और अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये चिट्ठी मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं कि एक भयानक राज मेरे दिल में पल रहा है, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका सेवक रामदास। रामदास, आप जानते हैं बड़े सरकार की मौत कैसे हुई? हाँ, शिकार खेलते वक्त घोड़े से गिर गए थे। नहीं, एक हत्यारे डाकू ने बड़े सरकार का खून। क्या? नहीं, नहीं। कुछ साल पहले बड़े सरकार जमीन खरीदने आए थे, 10-15 दिन यहीं रहने वाले थे। एक रात हो तुम? सुना है कि तुम यहाँ जमीन खरीदने आए हो? ठीक सुना है, और जिनकी जमीन है उनके साथ सौदा पक्का हो चुका है। हो चुका था, मगर अब उनमें से कोई जमीन बेचने को तैयार नहीं है। क्यों?
मेरे डर से। आखिर तुम हो कौन? बॉबी सिंह। बॉबी सिंह डाकू? क्या तुम समझते हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? जो मुझसे नहीं डरता वो मरता है, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मारता। आखिर तुम चाहते क्या हो? रुपया, जो तुम जमीन खरीदने के लिए लाए हो। रुपया? अच्छा अभी लाता हूँ। लाता हूँ। मकान को चारों तरफ से छलनी कर दो। मुझे मरा हुआ समझकर वो लोग भाग गए। कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। 3 महीने तक मैं अस्पताल में पड़ा रहा। वहां मुझे पता चला कि बॉबी सिंह पुलिस के हाथों मारा गया। लेकिन छोटे बाबू वो जालिम खुरी अभी तक जिंदा है। तुम्हें कैसे मालूम? 3 महीने पहले मैंने उसे भीमगढ़ की पहाड़ियों में देखा था। लेकिन रामदास, तुम्हें यकीन है वो बॉबी सिंह था? मैं उसके खूनी चेहरे को कभी नहीं भूल सकता। उसे देखते ही मैंने पुलिस को खबर दी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया। और फिर मैंने आपको चिट्ठी लिखी। लेकिन छोटे बाबू, आप बॉबी सिंह का? बॉबी सिंह मेरे बाप का खूनी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस केस की तहकीकात फिर से करें। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं। आज से 15 साल पहले बॉबी सिंह मेरे सामने मारा गया। मैं उस पुलिस पार्टी के साथ था जिन्होंने उनका पीछा किया और एक ऊंची पहाड़ी पर उन्हें घेर लिया। वहां गोलियां चली, हमारे कुछ सिपाही मारे गए, लेकिन डाकुओं में से कोई जिंदा नहीं रहा। कुछ डाकू पहाड़ी से गिरकर नीचे नदी में बह गए। उन्हीं में से एक बॉबी सिंह था। लेकिन हो सकता है कि वो बच गया हो। हो सकता है, लेकिन 15 साल में पुलिस वालों ने ना तो उसे देखा ना उसके बारे में कुछ सुना। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता सर। हमने ये केस बंद कर दिया। क्या ये फोटो आप मुझे दे सकते हैं? इसलिए? इसलिए कि आपकी तरह मेरे लिए कानून की कोई बंदिश नहीं। बॉबी सिंह जहां भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके जिंदा होने का सबूत आपके सामने पेश करूंगा। अगर ऐसा हो सके यकीन रखो बॉबी सिंह का केस जरूरी हो या गुड लक टू यू। राकेश मेरी बात मानो, तुम मत जाओ। जो पुलिस नहीं कर सकी वो तुम कैसे कर सकोगे? खामखा अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? आज तक मैं ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता रहा अंकल, इसलिए कि आपने मुझे पिताजी की मौत की असलियत नहीं बताई। पिताजी का कातिल जिंदा है और कानून उसे सजा नहीं दे सकता। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पिता की मौत का बदला लेना। रास्ता भूल गया हो। सुना इस पहाड़ के पीछे एक गांव है? है, लेकिन तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं लगती। और मुझे तुम्हारी मूछें अच्छी नहीं लगती। यहां आओ।
तुम जाओ। कहां से आए हो? पहाड़ वाले रास्ते से। तुमको किसने रास्ते में रोका नहीं? रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उस दुनिया से जा चुके हैं। बहुत लंबा सफर रहा, काफी थक गया हूं। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे थकन दूर हो सके? है साहब। तो फिर दे दीजिए। अच्छा साहब। मीठी लग गई है, साफ कर देता हूं। तुम लोगों ने मुझे मारा क्यों? जान की खैरियत चाहते हो तो यहां से फौरन चले जाओ। लेकिन भाई, मेरी तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि जिस जगह पर हमारे गिरोह के आदमी रहते हो उस जगह पर किसी के आने की हिम्मत नहीं होती। तुम शायद इस इलाके में नए आए हो। कौन हो तुम, कहां से आए हो और किस लिए आए हो? मेरे पास तुम्हारे तीनों सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है। क्या? नाइन 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 नाइन। मैंने तुमसे कुछ मांगा था। तुम भी इनके साथी हो? जानते हो मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? ये कचरा साफ करने के लिए। इन कुत्तों को उठाकर फौरन यहां से ले जाओ, जल्दी। ए वाह जवाने जवाने,
बहुत दिनों के बाद इस गिरोह की नगरी में एक शेर शेर नजर आया। वाकई शेर है। अरे वाह वाह, मजा आएगा। इस बाद में दो दो घूट और हो जाए। क्या चाहिए? कोई बड़ा नहीं। ये छुट्टी हो गई, तू सीधा सुना। यहाँ कुछ दिनों के लिए कमरा मिल सकता है? शेर साहब, तुम्हारी जिंदगी कुछ घंटों की है और तुम कुछ दिनों की बात कर रहे हो। क्यों मारना? जिनको मारा है ना, इनका इनका घर वाले तुम्हें कल सुबह तक जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ बाबूजी, ये ठीक कह रहा है। आप फौरन से चले जाइए, यहाँ आपकी कोई मदद नहीं करेगा। किसे? आप जो मदद करेगा वो मारा जाएगा। यहाँ कोई पुलिस वुलिस नहीं है क्या? है बाबूजी, है, लेकिन सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन 30 माइल पे है। यहाँ कोई काम नहीं चलता है, सिर्फ टिशू, डाइन टिशू, बंदूक, सिर्फ बंदूक। सारे इलाके में यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूं। है, सिर्फ एक जगह है, ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली। शेर बुड्ढा हो गए फिर भी शेर शेर है। ये हवेली यहाँ से कितनी दूर है? 25 मील दूर, हिंदुस्तान के सरहद के उस पर। सही सलामत पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, शराबी। एक बोतल का सवाल है। रात को पी, सुबह तोबा कर ली, रींद के रींद रहे, हाथ से झंडे रह गए। शेर साहब अभी थोड़ी सी पी लो। रात लंबी, जिंदगी छोटी, मुझे ऐसा लगता है ठाकुर साहब की हवेली तक पहुंचने से पहले ही बहादुरों में मर्डर है। कौन बहादुर? अरे शैतान की औलाद, लुटेरा, हथियारा। तो क्या वो कोई डाकू है? डाकू? अरे डाकू तो डाके डालता है और माल लेके चला जाता है, लेकिन वो बहादुर के आदमी ना किसी के घर छोड़ते ना किसी की जान। क्या सराय में जो आदमी मिले थे वो बहादुर के आदमी थे? नहीं, क्या बोल दिया, फिर मर गए। बहादुर का अड्डा कहाँ है? मैं तो सिर्फ शराब के अड्डे को जानता हूँ, बहादुर बहादुर किसको नहीं जानता। अरे मर गए, मर गए। मैंने पूछा बहादुर का अड्डा कहाँ है? दारू खत्म, मेरा काम भी खत्म। वो रही ठाकुर साहब की हवेली, सीधा चले जाइए सीधा। राम राम। आप अगर जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। राम राम। से भी आए हो फौरन वापस चले जाओ, वरना गोली मार दूंगी। क्या जाते हो या नहीं? सुनाई नहीं देता, बहरा हूं बहरा। कौन हो तुम, कहां से आए हो? कौन हो तुम? तो इतनी जोर से चिल्लाई कि मैं सचमुच बहरा हो जाता। तुम अभी तो बहरे थे। था, जान बचाने के लिए। अब बताओ तुम कौन हो? बताओ। मैं ठाकुर रंजीत सिंह की बेटी हूं। अजीब इत्तेफाक है, आया था ठाकुर साहब से काम मांगने, अब तुम्हें देख कैसा लगता है कि तुम्हें ही मांग लूं? क्या कहा? खूबसूरत भी हो और खतरनाक भी। मुझे बरसों से तुम जैसी लड़की की तलाश थी, इसीलिए बंदा अभी तक कुंवारा रह गया। बदतमीज। हे मेम साहब,
बंदूक नहीं लोगी? पिताजी, आपने किसी को नौकरी के लिए बुलाया था? नहीं तो बेटी। वो तुम? नमस्ते ठाकुर साहब, मेरा नाम राकेश है। किसने भेजा है तुम्हें? किसी ने भी नहीं। तो फिर किस लिए आए हो यहाँ? नौकरी की तलाश में। दुनिया में अकेला हूँ, सिर्फ दो वक्त का खाना और सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। आपका नाम बहुत सुना था। किसी और जगह नौकरी ढूंढ लो, मुझे आदमी की जरूरत नहीं। ना सही, लेकिन एक थका हारा आदमी अपने दरवाजे तक आया है, उसे कम से कम पार्टी दे तो पूछो। तुम्हें इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। कैसे नहीं, उन गुंडों के डर से तुम बाप बेटी भले बदल जाओ, लेकिन मैं अपने घर की रीत नहीं बदलूंगी। दुर्गा की माँ। ठाकुर साहब, माँ जी, मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग फिर आ गए? क्या चाहिए तुम्हें? इधर कोई अजनबी घुड़सवार आया है? नहीं, तुम लोग यहां से चले जाओ, यहां गुंडों का कोई काम नहीं। ए बुढ़िया, ए जबान संभाल कर बात करो, चले जाओ यहां से। बहुत दिनों से तुझे कलेज से लगाना चाहता था। क्या हुआ दुर्गा? याद रखो, ये हमारी दूसरी मुलाकात है, इसके बाद कभी मेरे सामने आए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं तो जा ही रहा था, लेकिन जब उस गुंडे ने आपकी लड़की पर हाथ उठाया तो मुझसे रहा नहीं गया। बेटा, हम एहसान फरामोश नहीं। बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम यहीं रहो। दुर्गा, इन्हें बाहर का कमरा दिखाओ। सुनिए, हाथ मुंह धोने के लिए पानी मिलेगा? नदी सामने बह रही है। नदी सामने बह रही है, वहां चले जाओ। ओ ओ ओ, खबरदार, संभालना, बंदूक भरी हुई है। फिक्र मत करो, मुझे चलानी नहीं आती। क्या मतलब? मैं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी, वैसे पीछे से तो तुम अच्छे लगते हो। अब बताओ आगे से कैसा लगता हूँ? आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे लगते हो, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। पहले बंदूक दो, चलो। अजीब इलाका है, जो लड़की मिलती है बंदूक के सिवा बात ही नहीं करती। अच्छा, तब तो तुम मेरी दीदी दुर्गा से ही मिले हो। तो तुम्हारी दीदी है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो बेला है, लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो। यूं समझ लो तुम्हारा गुलाम। क्या? मुझे तुम्हारे घर में नौकरी मिल गई है। सच? अरे तब तो बड़ा मजा आएगा। तुम भी मेरे साथ है ना, रोज सुबह तितलियां पकड़ना। अच्छा, तितलियां? हाँ, मुझे बहुत पसंद है रंग बिरंगी तितलियां, लेकिन हमारे घर के आसपास नहीं आती, इसलिए दूर वो जो खेत का देता है ना, मैं वहां जाती हूँ तितलियां पकड़ने। ये देखो, आज पूरी 50 पकड़ी, देखो ना। सुनो, मेरा नाम राकेश है। राकेश, तुम मुझे बंदूक चलाना सिखा दोगे? क्या इरादा है? अरे बाबा, हमारे यहाँ कभी कभी बहुत खतरनाक लोग आ जाते हैं। छी? लेकिन तुम्हारी दीदी को तो बंदूक चलाना आता है ना? अरे वो तो बस बंदूक लेकर घूमती रहती है, आज तक किसी को गोली नहीं मारी। तो मार दोगी? बिल्कुल, तो मुझे बंदूक चलाना सिखा दो, फिर यहाँ जो भी गुंडा आएगा ना, उसे ठे 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 करके उड़ा दूंगी। ये बंदूक के दस्ते को यूं कंधे से दबा के रखना, समझी?
ऐसे नहीं कंधे से दबा के। डरते क्यों हो? ये बंदूक बहुत भारी है। जब तुमसे बंदूक ही नहीं उठती तो तुम निशाना के हाथ मारोगी? चलो पकड़ो बराबर, पकड़ो। एक आंख बंद करो, फायर। बुद्धू मेरी तरफ नहीं, दूरबीन की तरफ। फायर। बहुत जोर की आवाज आएगी ना? तू तो सीख के रही। मेरा कंधा। मैंने इसीलिए कहा था कि दस्ता कंधे से दबा के रखना। हाँ, मगर तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? हाथ क्यों छोड़ दिया? तेरे कान कौन बंद करता? अरे बहुत दुखता है। चलो नखरे बंद कराओ। नहीं नहीं। चलो उठो। अरे बाप रे। निशाना जमीन पे और गोली पेड़ पे। चलो बंदूक संभालो, मैं वो डाल हटा कर आता हूँ। अच्छा। तुम यही ठहरो। पिस्तौल फेंक दो। अब बताओ तुम्हारा सरदार कौन है और कहां रहता है? कैसा सरदार? मेरा कोई सरदार नहीं। बको मत। तुम उस गिरोह के आदमी हो जिसने हमारे सैकड़ों मासूम लोगों की जान ली है। समझ में नहीं आता तुम क्या बक रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मर्द की तरह सामने क्यों नहीं आते? बहुत खूब, सामना करने की हिम्मत है तुम्हें? आजमा के देख लो। ये मेरा शिकार है। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ है, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, इसलिए कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? शेरा। और ये लोग? मेरे साथी हैं। तुम सब इसी इलाके के आदमी हो? हाँ। तुमने ऐसा आदमी को कभी देखा है? भेड़िये की तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? तुम भी इसे जानते हो? पहले तुम बताओ तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? यह मेरे पिता का कातिल है। इसकी तलाश में मैं बहुत दूर से यहां तक आया हूं, अपने पिता के खून का बदला लेने के लिए। चुप क्यों हो गए? सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें उस हत्यारे के गिरोह का आदमी समझा। तुम्हारी इसके साथ क्या दुश्मनी है?
यही वो खून का प्यासा तरिंदा है जिसने इस वादी को नरक बना दिया। मैं उस शैतान के चेहरे को कभी नहीं भूल सकता। आज से हम दोनों का मकसद एक है शेरा। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। पहाड़ी के पीछे क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो देवी का मंदिर है ना, वहां मैंने इस गिरोह के आदमियों को कई बार जाते हुए देखा है। लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही न जाने ये लोग कहां गायब हो जाते। तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की? नहीं, देवी के प्रकोप के डर से हिम्मत नहीं हुई। क्या मतलब? कुछ दिनों से न जाने क्यों देवी हमसे नाराज है। जो कोई भी उस मंदिर के पास जाता है वापस लौट कर नहीं आता। मैं यहां का नहीं हूं, शायद देवी मुझे नाराज ना हो। तुम ही ठहरो, मैं जाके देखता हूं। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो। देवी कभी गोलियां नहीं चलाती। देवी के प्रकोप की खबर गलत है। ये मंदिर उन लुटेरों के हाथ में है। अब चलो, लेकिन फिर आना पड़ेगा। चलो। तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा था, मैंने मदद कर दी। ये चाकू फेंककर? अच्छा आप तुम ये बताओ, तुम कहाँ थे? यहीं पर था। यहीं पर ना? अरे बाप रे, इतनी दूर से इतना पक्का निशाना? झूठ, मैं नहीं मान सकती, बिल्कुल नहीं। एक काम करो, इस फल को अपने दांतों से पकड़ लो। अगर मैं इसको भी उड़ा दूं तब तो मानोगी? ना बाबा ना, मेरी नाक वाक कट गई तो? मेरा निशाना कभी नहीं चुकता। अगर तुमको डर लगता है तो रहने दो। हिलना नहीं बिल्कुल। अबे जरा फुर्ती से काम कर यार, शाम तक पूरे तार खींच जाने चाहिए, वरना शेरा के तेरी खाल खींच लेगा। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी चर्बी कम हो जाएगी। चल बेटा जल्दी कर। अरे बेवकूफ, देख के नहीं चलता है क्या? अरे क्या मेरी आंखें पीछे है क्या? देख। कौन है तुम लोग? कौन है ये लोग? नौकर है मेरी तरह, मैंने ने रखा है। किससे पूछकर? तुम्हारे बाप से। शेरा, तुम उन लड़कों के साथी हो ना जो फाटक के पास काम कर रहे हैं? नहीं, वो मेरे साथी हैं, मैं उनका सरदार हूँ। सरदार? अरे सुनो 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 सुनो, तुम कहाँ चल रही है? अपना चाकू ढूंढने। मिल गया। लाओ मुझे दो। ए, नहीं दूंगी। अरे अरे कहाँ जा रही है? अरे जा। ए, ए छोकरे। यहाँ छिपी हुई है। इतनी जोर से कलाई मरोड़ दी। मेरा चाकू लेकर क्यों भागी थी? इसलिए कि तू मेरे पीछे पीछे भागे। वो किस लिए? अरे इतना भी नहीं समझता? जब कोई लड़का लड़की के पीछे भागता है तो लड़की समझ जाती है कि वो लड़के को अच्छी लगी। फिर क्या होता है? फिर दोनों में प्यार हो जाता है। ए, तेरा नाम क्या है रे? बेला। और तू है कौन? मैं ठाकुर साहब की बेटी। हाँ? अरे बाप रे, क्या हुआ?
अरे राकेश बाबू को पता चल गया कि मैंने तुमसे बात की है तो गोली मार देंगे। तो तुम चाकू मारते ना, तुम्हारा निशाना तो बड़ा पक्का है ना। क्या बत्ती है, वो तो मेरा उस्ताद है। अरे सुन, तू कहाँ चला? काम करने। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? बस मेरी मर्जी, मैं आज तुम्हारे साथ नदी के किनारे तितलियां पकड़ना चाहती हूँ। कोई जबरदस्ती है? हाँ है। नहीं तो मैं राकेश बाबू से तुम्हारी शिकायत करूंगी। क्या कहेगी? कहूंगी कि तुमने ये चाकू दिखाकर मुझे डराया, मुझे छेड़ा, मेरा हाथ भी पकड़ा। अरे झूठ क्यों बोलती है, मैंने तेरा हाथ कब पकड़ा? तो आप पकड़ लेना। धत। अच्छा मैं भी करती हूँ तुम्हारी शिकायत। अरे नहीं नहीं नहीं, अब तू बोल, चाहती क्या है? सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। ए शेरा, ए शेरू, कहाँ चला रे? ओहो जाने दो ना। चली जा, तू चली जा। जाने दे रे बड़ी तेरी होगी मेहरबानी, आया इधर गलती हुई माफी दे दो रानी, अरे माफी दे दो। जाने तेरे बड़ी तेरी होगी मेहरबानी, आया इधर गलती हुई माफी दे दो रानी। कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। ओ, सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, राह जाए ना हमसे, गले लग जा, हाय हाय गले लग जा। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, गले लग जा, तू चली जा, गले लग जा। दुर्गा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किस लिए? तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारा इतनी दूर अकेली जाना ठीक नहीं। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ।
दुर्गा की बात का बुरा न मानो बेटा, वो बड़ी जिद्दी है। मैंने कई बार उसे समझाया है कि अकेले जाना अच्छा नहीं, लेकिन वो किसी की सुनती नहीं। वो ठाकुर साहब की भी नहीं सुनती? वो तो कुछ भी नहीं कहते। जब से मेरा चंदन गया है, दुर्गा और उसके पिता बिल्कुल बदल गए हैं। चंदन कौन माजी? मेरा एक लौता बेटा, 4 साल का था, अचानक नदी में डूब गया। उसे बचाने की कोशिश में ठाकुर साहब अपने पैर खो बैठे। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। चिंता मत करो माजी, मैं जो हूं, आपने मुझे बेटा कहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक कोई मुसीबत पहुंचने न पाए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। उसे कहना अगली किश्त 4 दिन के बाद मिलेगी। चेक नाके पर खतरा है, पुलिस बहुत छानबीन कर रही है, जरा होशियारी से काम लेना। चाचा कहाँ है? कहो बेटी, कैसी हो और ठाकुर साहब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और ठाकुर साहब भी ठीक हैं चाचा जी, लेकिन आजकल आप हम पर शक करने लग गए हैं। नहीं नहीं बेटी, ये तो ऊपर से हुक्म आया है कि हर एक की तलाशी ली जाए। हाँ चाचा जी, ये सब खुले पड़े और आपके सामने है। मैं अब जाऊँ? खुशी से जाओ बेटी। भजन सिंह, अगली किस्त 4 दिन के बाद मिलेगी। वो तो मिल जाएगी जाने मन, लेकिन मेरे प्यार की कश्ती को कब मझधार से निकालोगी? देखता हूं कब तक जग्गा से बचती रहोगी। ठाकुर, कुछ भेड़े चाहिए, गोश्त खत्म हो गया है। आखिर ये जबरदस्ती कब तक रहेगी? जब तक भेड़े खत्म नहीं हो जाएंगी। सत्यानाश हो जाए, जीना हराम कर दिया इन्होंने। मैं कहती हूं जैसे और लोग चले गए, हम क्यों नहीं चले जाते? जाओ दो भेड़े निकाल लाओ। तुम्हारी मौत। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ठाकुर ने गुंडे भी पाल रखे। अब तो पता चल गया ना, यहां से एक भेड़ भी बाहर नहीं जाएगी। ले जाने वाले हैं गुरु, अब क्या किया जाए? इन गुंडों से कहो कि भेड़े जहां से लाए हैं इन्हें वहीं वापस रख दें। अगर इन लोगों को तुमने भेड़े ले जाने से रोका तो गोली मार दूंगी। भेड़े लेकर फौरन बाहर हो जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम ठाकुर साहब की बेटी नहीं, दुश्मन हो? हमारे निजी मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, समझे? अगर दुर्गा ना रोकती
तो आज उन गुंडों में से कोई बचकर नहीं जाता। आखिर दुर्गा ने ऐसा क्यों किया? मेरी भी समझ में नहीं आया। शेरा, चुपके से मैंने उन गुंडों का पीछा किया। बकरियां लेकर वो मंदिर की तरफ जा रहे थे। न जाने फिर कब मिलेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर ने आप गुंडे जो पाल रखे हैं, जो दुर्गा की वजह से जान बच गए। क्या बकता रे? इस बार तो धोखा खाए, अगली बार पूरी तैयारी के साथ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पैसे लाओ। कभी तो प्यार से दो बातें कर लिया करो जाने मन। आखिर कब तक तड़पाओगी?
हरामजादे, तेरा काम है माल लेकर पैसे देना। हमारे गिरोह की लड़की को छेड़ने की तुझ में हिम्मत कैसे हुई? फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हुई तो जिंदा गाड़ दूंगा, समझे कुत्ते? चल। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। पैसे कितने? 20,000। आज मुझे मालूम हुआ कि उस दिन तुम उन गुंडों की तरफदारी क्यों कर रही थी। इसलिए कि तुम उनमें मिली हुई हो। नहीं, बको मत, तुम अफीम बेचती हो। शर्म की बात है कि ठाकुर रंजीत सिंह की लड़की इतना जलील काम करती है। जानती हो अफीम कितनी बुरी चीज है, जो इंसान को गला गला कर मार डालती है, उसके जिस्म को खोखला कर देती है। तुमने कभी सोचा है कि तुम कितने इंसानों की जिंदगी से खेल रही हो? आखिर तुम ये जलील काम क्यों करती हो? रुपयों के लिए? नहीं। फिर किस लिए? क्या तुम उनके सरदार से मिली हुई हो? नहीं, नहीं। फिर क्यों? ये सब मैं नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूं। मैंने कह दिया ना कि ये सब मैं नहीं बता सकती। आज तुम्हें बताना ही होगा, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं राकेश, पुलिस को खबर करने से चंदन की जान खतरे में पड़ जाएगी। चंदन? हाँ, चंदन। एक रोज पिताजी के साथ चंदन नदी के किनारे घूम रहा था कि अचानक चंदन, चंदन। बड़ा प्यारा बच्चा आपका है ठाकुर साहब। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैंने सुना है इस इलाके के सभी लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हर कोई आपका हुक्म मानता है। तुमने ठीक सुना है। तुम मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आप या आपके किसी खास आदमी के जरिए हर महीने शहर में कुछ माल भेजना चाहता हूँ। मेरे जरिए? तुम खुद क्यों नहीं भेज सकते? इसलिए कि आपके जरिए भेजने से पुलिस को कभी शक नहीं होगा। क्या चीज भेजना चाहते हो? काला सोना। मतलब? अफीम। तो क्या तुम समझते हो कि इस गैर कानूनी काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। जरा सोचिए ठाकुर साहब, जिस आदमी ने सारे इलाके को तबाह कर दिया, आपको क्यों छोड़ दिया? सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम ही उन खूनी लुटेरों के सरदार हो। हाँ, और आइंदा आपको मेरे इशारों पर चलना होगा। नामुमकिन है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। चंदन, चंदन, चंदन। अरे मैंने तुम्हें शराफत से कहा था, तुम नहीं माने। अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि ये बच्चा जिंदा रहे तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। करोगे? नहीं। चंदन, चंदन। पिताजी की जान बच गई, लेकिन वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। और उन्होंने मुझसे कसम ले ली कि चंदन के गायब होने की असलियत माँ को कभी ना मालूम होने पाए, वरना वो रो रो के अपनी जान दे देगी। माँ आज तक वही समझती है कि चंदन नदी में बह गया है, और चंदन की वजह से ही मुझे और पिताजी को उन गुंडों का कहना मानने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे माफ करना दुर्गा, मैंने तुम पर हाथ उठाया। तुमने ठीक ही किया है राकेश, तुम्हें बताने से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। तुम पैसे किसको देती हो? बहादुर। मैं वादा करता हूं दुर्गा, अब ये जलील काम तुम्हें ज्यादा देर करना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे भाई को उनके चुंगल से उठा के ले आऊंगा और उनके गिरह को खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या तुम उनके सरदार का अड्डा बता सकती हो? नहीं, लेकिन सुना है पहाड़ी के उस पार कहीं रहता है।
ठाकुर साहब, आपने क्यों तकलीफ की? दुर्गा ने मुझे कहा है, उसने तुम्हें सब कुछ कह दिया है। तुम्हारे और हमारे बीच में एक पर्दा था, इसलिए मैं कभी खुलकर बात नहीं कर सकता तुमसे। अब तुम हमारी मजबूरी को जानते हो बेटा। आज तुमसे सिर्फ यही इल्तिजा है कि ऐसा कोई काम न करना जिससे मेरे चंदन की जिंदगी। आप चिंता न कीजिए ठाकुर साहब, चंदन को सही सलामत वापस लाना मेरा फर्ज है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, रक्षा करे। मंदिर के अलावा सिर्फ यही एक जगह है शिरा, जहां से हम इस पहाड़ को पार कर सकते हैं। लेकिन बीच में इतनी गहरी खाई है गुरु, रास्ता कहाँ है? अगर रास्ता नहीं है तो हम बना लेंगे, रस्सी का पुल बनाकर हम इस खाई को पार कर लेंगे। तीस हजार। अगर इसी तरह मेरा काला सोना बिकता रहा तो एक दिन सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। शेरा, एक बार ये पुल तैयार हो जाए ना तो दुश्मन हमारी मुट्ठी में होगा। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन है वो? शेरा। क्यों, तुम क्या समझी? क्या मतलब? यही कि मैं समझी कि तुम कुछ और समझी। सच बताना दीदी, बात क्या है? क्या बात है बेला? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? फिर आज ये त्योहार वाले कपड़े, ये बालों में फूल वूल। वैसे मन किया, सोचा आज मैं भी तेरे जैसी बन जाऊं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया है बेला? हाँ, मुझे तो हो गया है ना। मैं तो अपने बालों में फूल इसलिए लगाती हूँ कि वो मेरी तरफ देखे। कौन है वो? शेरा। क्या भक्ति, पागल हो गई? एक तो अपना नौकर है, दूसरा न जाने कौन है, कहाँ से आया है। जो भी हो, मुझे तो बहुत पसंद है बेला। मुझे उससे तेरा मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। आज के बाद तू उससे कभी बात नहीं करेगी, समझी? दरवाजा खोलो राकेश। राकेश, राकेश। दुर्गा, तुम इतनी रात गए? राकेश, तुम जरा मेरे साथ चलो। कहाँ? बेला शेरा के साथ जंगल की ओर चली गई है। शेरा के साथ? हाँ, बेला भी बहुत नादान है, अपना भला बुरा नहीं समझती। मैं शेरा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत शरीफ आदमी है। तो फिर इतनी रात गए बेला के साथ क्यों गया? पूछना पड़ेगा। अरे बुद्धू, इसी को तो प्यार कहते हैं। अब बता, तू मुझसे प्यार करता है? हाँ, प्यार करता है। बस तो फिर मुझे यहाँ से भगाकर ले चल। क्या? हाँ, यहाँ क्या रखा है? जब देखो खतरा, जान का डर। हम लोग यहाँ से दूर किसी शहर में रहेंगे, वहाँ हमारा अपना एक घर होगा, बाल बच्चे होंगे, फिर हम लोग बच्चों के लिए ना तितलियाँ पकड़ेंगे। बच्चे और शादी के बिना? अरे शादी के बाद तो होंगे बुद्धू, हम लोग यहाँ से भागते ही ना शादी कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें चोरों की तरह भगा कर नहीं ले जाऊंगा। तो फिर पिताजी से बात करो ना। जरूर करूंगा, लेकिन वक्त आने पर। मुझे अपनी एक कसम पूरी करनी है जिसे सिर्फ राकेश बाबू जानते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें राकेश बाबू पर मुझसे ज्यादा भरोसा है? मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ बेला। अरे तभी तो, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों को प्यार करना नहीं आता। और वो जो तुम्हारा गुरु है ना, वो तो तुमसे भी ज्यादा बुद्धू है। आज तक समझ नहीं सका कि दीदी उसे कितना चाहती है। क्या तुम्हारी दीदी राकेश बाबू को चाहती है? हाँ, और दीदी ये समझती है कि मैं कुछ नहीं समझती। राम कसम, क्या जोड़ी बनेगी दोनों की ना। अरे पहले तो अपनी जोड़ी के बारे में तो फैसला कर। कर लिया। क्या बताओ? हाँ बता। रात बहुत हो चुकी है, तू जाकर सो जा। क्या ख्याल है शेरा के बारे में? मैंने कहा था ना, वो बहुत शरीफ है। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं नहीं, तो तुम क्या समझती हो कि बेला ने जो तुम्हारे बारे में कहा, मैंने उसे यकीन कर लिया? दुर्गा,
अब हम अजनबी नहीं रहे, लेकिन इतने दिनों की पहचान के बाद तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जानती हो, मैं बेशुमार दौलत का मालिक हूं, मैं दुनिया में जो चाहूं कर सकता हूं, तुम्हारे यहां काम करने की सिर्फ एक ही वजह है, हमारी पहली मुलाकात। जिस दिन तुम उस जंगली घोड़े का पीछा कर रही थी, उस पर काबू पाने के लिए मैंने सोच लिया कि तुम मुझ पर भी काबू पालोगी। जानती हो दुर्गा, मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आईं, लेकिन कोई ऐसी नहीं मिली जो अपनी लगे, तुम जैसी। मानना पड़ेगा, लेकिन जरा कपड़े तो पहन लेने दो। बस जल्दी करो। गुरु, सवेरे सवेरे फायदा हो गया, इतने सारे मुफ्त में हथियार मिल गए, अब इन दोनों का क्या करें? यही जो ये हमारे साथ करने वाले थे, इन दोनों के हाथ पैर रस्सी से बांध के और इन्हीं के घोड़ों के पीछे बांध दो। बंदूक क्या संभालो? हमजादे, ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उनको आपके सामने जिंदा लाना चाहता था। खामोश! अगर इस बात का पता सरदार को चल गया ना, तो तुम हराम खोलों के साथ मुझे भी गोली से मार देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ठाकुर को एक ऐसा आदमी मिल गया है जिसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। आप मुझे बुलाया है? हाँ बेटा, आज दशहरे का दिन है। अरे मैं तो भूल ही गया था। जी करें बेटा। माँ जी,
आज तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए। समय समय की बात है बेटा, आज के दिन हमारे यहाँ कम से कम 500 आदमी खाना खाते थे, सारी रात खुशियां मनाते थे, दूर दूर से ठाकुर साहब को लोग मिलने आते थे। लेकिन अब सीरे सखी बाजी, समय बदलते हुए देर नहीं लगती। आज 500 आदमी न सही, लेकिन हम लोग तो हैं और हमें खुशियां मनाने से कौन रोक सकता है। में दूर, यारा हमसे थोड़ी दूर।
उतार दिया ठाकुर, इसके बाद गुंडे पालने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा समझे। पानी चाहिए? मेरी सुन ली, मुझे आशीर्वाद दो माँ जी ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और आपके चंदन को जल्दी वापस ले आऊं। चंदन, मैंने तो तुमको कहा था कि मेरा चंदन नहीं। माँ जी, आपका चंदन जिंदा है। चंदन जिंदा है? क्या कहा? चंदन जिंदा है? आप बोलते क्यों नहीं? तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? माँ जी, ठाकुर साहब मुझे माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से अचानक निकल गया। लेकिन चंदन है कहां पिताजी? राकेश को अभी अभी होश आया, उसे जरा आराम करने दो। तो क्या मुझसे भूल हो गई? नहीं राकेश, अच्छा हुआ, कभी ना कभी तो मां को पता चलना ही था। औलाद को खोकर मां के दिल पे क्या गुजरती है ये तुम लोग नहीं समझ सकते। क्या नाश हो जाए उन लुटेरों का जिन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है, न जाने वो कैसा है, किस हाल में है। शांत हो जाओ दुर्गा की माँ, धीरे से काम लो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरा बच्चा मुझे लाके दो, मेरा चंदन मुझे लाके दो। ए, अपने मेहमानों के खाने का वक्त हो गया। खाने का? अरे मार खाने का। राकेश, राकेश ये क्या कर रहे हो? देख रहा था कि इस हालत में बंदूक चला सकता ही नहीं। कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम बिल्कुल अच्छे ना हो जाओ आराम करो। किसके हुक्म से? मेरे, ये सूप पी लो। चुप। बेला ने मुझे बताया कि जब तक मैं बेहोश रहा तुम मेरे पास एक पल के लिए भी नहीं हटी। क्यों शेरा सरदार, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया या अब भी अकड़ बाकी है? थोड़ा पानी पिला दो। पानी पिला दो लेकिन एक घूंट से ज्यादा नहीं, वरना ये मर जाएंगे और किसी काम नहीं आएंगे। और कल सुबह इन सबों को पहाड़ के उस पार ले जाओ और काम से लगा दो। राकेश, तुम वहां अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं दुर्गा, तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है ताकि बहादुर को किसी किस्म का शक ना हो। तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। लेकिन उस पर बहुत खतरा है राकेश, और तुम अकेले हो। गलत। बेला, तुम जरा घूम जाओ। नहीं। अच्छा अच्छा बाबा। दुर्गा, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, माँ जी का आशीर्वाद भी मेरे साथ है, इसलिए गोली लगने के बाद भी
मुझे कुछ नहीं हुआ है। और मैंने जो भगवान से प्रार्थना की थी वो सब क्या बेकार हो गई? प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, वो अब काम आएगी तेरे शेरा और चंदन को वापस लाने में। और गर्मी के मारे सारे बदन में आग लग रही है, गला सूख रहा है। एक बूंद पानी पिला दो, एक बूंद। एक बूंद तो क्या, हजार बूंद पिलाओ। हाँ,
बगैर इजाजत के पानी कौन पिला रहा है, जाकर देखो। जाओ। कौन है तुम? इंसान। यहां शैतानों की बस्ती में कहां से आ गए? खैर, तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, फौरन वापस चले जाओ। यहां किसी के साथ हमदर्दी जताना बहुत बड़ा जुर्म है, और उस जुर्म की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। बगैर इजाजत से पानी किस किसने पिया है? बाहर आओ, नहीं तो मार मार के चमड़ी उधार दूंगा। बाहर आओ। उन पहरेदारों को फौरन वापस बुलाओ, वरना भेजा उड़ा दूंगा। ठहरो, मजदूरों को मत मारो। कौन हो तुम? हाँ, उस दिन तुमने बहुत बड़ी गलती की जो मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ा है, लेकिन आज बदला लेने की मेरी बारी है। आज पहली बार किसी ने उस कमीने बहादुर की दुलाई की। ऐसा लगता है अपने दिन फिरने वाले हैं। कौन था वो दिलेर आदमी? जो भी था बेचारा, भलाई करने आया था, मौत के मुंह चला गया। ओ शराबी! अरे फिक्र मत कर, मैं किसी से कहूंगी नहीं, उठो। अगर कह भी देगी तो क्या फर्क पड़ेगा? जब से कमबख्त बहादुर मुझे यहाँ पकड़ कर लाया है, मेरा सत्यानाश हो गया। अरे कहाँ दिन रात पी के दूध पड़ा रहता था, और यहाँ अभी तक चौथे, वो भी चोरी चोरी। अरे घबराओ मत, अब बहादुर के बुरे दिन आ गए। मालूम है आज एक अजनबी ने बहादुर का मुकाबला किया, अगर पहरेदार ना पकड़ लेते तो उसकी छुट्टी कर देता। अरे चमेली, हमारे शेर साहब के सिवाय इतनी हिम्मत और कोई नहीं कर सकता। शेर साहब? कौन शेर साहब? मालूम नहीं। अरे वो तो आदमी आदमी के भेष में भगवान का अवतार है, अवतार। अच्छा। जैसे भगवान पापियों को मारने के लिए धरती पर आते हैं, वैसे ही हमारे शेर साहब हम सबका उद्धार करने के लिए अफीम के खेत पे आए हैं। आइए आइए मिस्टर राकेश। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? ये पूरा इलाका मेरा, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसका पता मुझे ना हो। इस मुलाकात का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, क्योंकि तुम मेरे बहुत से आदमियों को मार चुके हो, लेकिन ढील ढाल से तो तुम इतने खतरनाक नहीं लगते। खतरनाक होना ढील ढाल से नहीं होता, एक छोटी चूंटी भी बड़े हाथी को मार सकती है। इंसान के पास अफलक ऐसा हथियार है जिसके जरिए बड़ी से बड़ी ताकत को खत्म कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम अकलमंद हो। ये बात तो मुझे भी मान गया था जब बहादुर की गोली भी तुम्हें खत्म न कर सकी। और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखने के बाद यकीन करूंगा। हुकम सिंह, ये है हुकम सिंह, इसके हाथों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। क्यों क्यों हो जाए अकल और ताकत का मुकाम? मैं तैयार हूं, आप अपने हुकम सिंह को हुक्म दीजिए। आज मुझे यकीन हो गया कि अकल ताकत से कितनी बड़ी है। बेलू, एक अकलमंद आदमी का स्वागत हमारे यहां कैसे किया जाता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। जाओ जाओ, जाकर तैयारी करो। हुकम
मुझे अफसोस है मिस्टर राकेश, तुम जैसे दिलेर नौजवान की मौत घोड़ों के जरिए होगी। जब तक इंसान के शरीर में सांस बाकी है, उम्मीद बाकी है। अगर मेरी किस्मत में जिंदा रहना लिखा है तो तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती। सिर्फ मेरे एक इशारे की देर है, तुम्हारा सर घोड़ों की टापों के नीचे कुचल दिया जाएगा। तो फिर इशारा क्यों नहीं करते? नहीं, नहीं, नहीं। पकड़ो इसे और पान कर क्या दो। तुम ठीक कहते थे राकेश, किस्मत ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन क्या तुम अब भी बच सकते हो? ये जानने के लिए तुम्हें एक बार और पिस्तौल चलानी होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी आसानी और इतनी जल्दी से मर जाओ। दादा, इस हरामजादे को ले जाओ और बंद कर दो। इसे खाने पीने को कुछ न दिया जाए ताकि ये भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाए। शेरू, शेरू, सरकार ये पहाड़ी लोग बहुत मजबूत होते हैं, देखिए ना, इसके वजन से इतनी मोटी रस्सी भी टूट गई। बकवास, इसे खेतों में ऐसी जगह पे लगा दो ताकि इसकी कमर भी टूट जाए। ले जाओ। शंभु, चोली। अरे गधे, चोली क्या, चमेली बोल ना। हाँ, मेरा मतलब वही है ना। चल आ जा जल्दी से, इतनी देर से पेट में चूहे घूम रहे हैं। चल तेरे लिए क्या लाएंगे, आलू का पराठा। वाह वाह, नशा आ गया। चमेली, ये पराठा भी सही तरह मुलायम है। ओए माँ, क्या हुआ चमेली? चोरी में चींटी घुस गई। चोरी में चींटी घुस गई, जेल में निकाल देता। मेरा नाम चमेली है, मैं भी उस पापी के जुल्म का शिकार हूँ। उन हरामखोरों के लिए खाना पका लेती हूँ। यहाँ क्यों है वो? आपकी मदद करने के लिए। शराबी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ठाकुर रंजीत सिंह के बेटे? चंदन, हाँ। मैं ही उसकी देखभाल करती हूँ, लेकिन शेर साहब, बहादुर के पंजे से चुराना नामुमकिन है। मुझे बताओ मेरा बच्चा कैसा है? कौन? मेरा चंदन, मेरा लाल, मेहरबानी करके बताओ वो कहाँ है, कैसा है? आज इतने दिनों के बाद अचानक चंदन के बारे में क्यों पूछ रही हो तुम? मैं समझ रही थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं, लेकिन लेकिन अब असली बात मालूम हो गई है। असली बात किससे मालूम हुई? जवाब दो, तुम्हें चंदन के बारे में किसने बताया है? मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? बहादुर, अगर फिर तूने माँ पर हाथ उठाया तो गोली मार दूंगी।
माँ। मुझे धमकी देने की तुम में हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मदद करने वाला तो सिर्फ राकेश था, तुम्हारा आशिक, और वो बेचारा तो कब का भूखा प्यासा मर गया होगा। राकेश को मार डाला, अब तो वो चंदन की भी जान ले लेगी। जयराम जी की। अरे सबके सब अभी अभी के नशे में धुत से। तुम सबको बहुत समझाया, बहुत समझाया, इतना मत पियो। अरे हमेशा के लिए सो जाओगे, हैं? सो जाओगे। अरे साहब तुम हो? अरे भाई तुम बहुत तकदीर वाला आदमी हो। वो कैसे? सरदार के खास आदमी हो, हार से पार जा सकते। अरे खास आदमी हूँ मैं तो, सारे लोग जब ले जाते हैं आंखों में पट्टी बांध के ले जाते हैं। कम से कम पट्टी खोलने का बात तो लड़की नजर आती है। लड़की? हाँ, और एक हम है, छह महीने से लड़की ही नजर नहीं आ रही। अरे भाई तुम सब लड़की के लिए क्यों रोते हो? लड़की मेरे पास है। जेब में जेब निकाल। अच्छा चलो अभी अभी निकलता हूँ, अभी निकलता हूँ। ये आ गई, ये
भागी मत जा, आग लगी है, जल जाएगी। तू कहता है कि शैसा तेरा दोस्त है, बेचारा भूखा प्यासा तो कोठी में बंद है। अरे मैं तुम्हें भूल गया था, सब लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं, यही मौका है उनकी मदद करने का। चल चल लापरवाह लोगों को गोली से ही उड़ा देना चाहिए। तुम और ठाकुर की बेटी चंदन के साथ मिलकर भागने की कोशिश कर रही थी, मैं इन दोनों को पकड़कर तुम्हारे पास ले आया हूं। ताज्जुब है, मगर तुम तो इससे मोहब्बत करते थे। औरत से मोहब्बत बेवकूफ करते हैं, मगर तुम इतनी देर तक ठाकुर के घर में रहे। मैंने उनकी नजर से बचने के लिए मैंने वहां थोड़ी देर बना ली, लेकिन मेरा असली मकसद तुम तक पहुंचना। क्यों? तुम्हारे गिरोह में शामिल होने के लिए, क्योंकि मुझ पर यहां कानून या पुलिस की नजर नहीं पड़ सकती। मगर मैंने तो तुम्हें मौत की सजा दी थी, तुम्हें भागने का मौका भी मिला, भाग क्यों नहीं गए? इसलिए कि मैं तुम्हारा यकीन हासिल करके अपनी वफादारी साबित करना चाहता था, ताकि तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सको। किसी पर भी पूरा भरोसा करने में मुझे बहुत देर लगती है। तुम चंदन को वापस ले आए, इसलिए आज से तुम मेरे ग्रोह में शामिल हो गए। तुमने यहां आने की जरूरत कैसे की? जानती हो इसकी सजा क्या है? मौत। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। नहीं, इसका वापस जाना खतरे से खाली नहीं, ये पुलिस को इतला कर सकती है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन फिर हम माल किसके जरिए भेजेंगे? इसकी छोटी बहन बेला। कमीने, इतने रोज हमारा नमक खाया, हमने तुझे अपना समझा, और तूने तूने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। क्रमर बहादुर, इसे भी दूसरी औरतों के साथ काम पे लगा दो, ले जाओ इसे। और चमेली तुम जी, इसे कमरे में बंद कर दो, जाओ। और तुम मेरे साथ आओ। अब देखता हूं कौन सी चाल चलोगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अजाने किसी ने खेत पूरा जला दिया। क्या हराम साधो, जब अफीम का खेत चल रहा था तो तुम लोग कहां थे? बहादुर कहां था? जाओ जाकर पता लगाओ कि किसने आग लगाई है, वरना मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। सरदार, अगर आपके इतराज न हो तो ये काम मुझे करने दीजिए। ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ। सुनो, मुझे यहां सरदार ने भेजा है। मैं जानता हूं यह खेत जलाने में तुम सब कहा, लेकिन मैं सिर्फ यह मालूम करना चाहता हूं कि यह सलाह तुम्हें किसने दी। मैं पूछता हूं यह सलाह किसने दी। मैंने, मुझे मार डालो, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। ये खेत मैंने जलाया, ये आदमी झूठ बोलता है, ये खेत मैंने जलाया है। नहीं नहीं, मैंने मैंने नहीं नहीं, ये मैंने जलाया, मैंने 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 मैं तीन तक गिनता हूं, अगर तुम में से गुनहगार अब भी सामने नहीं आया तो मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। एक, दो, थरो,
सलाह मैंने दी थी। खेत को जलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तुम्हें मैं कुछ और ही समझा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम भी सरदार के शिकारी कुत्तों में से एक निकलोगे। चलो चलो, आइए आइए आइए। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि आपके सिवा इन जाहिल मजदूरों को और कोई नहीं भड़का सकता। राकेश, तुम इम्तिहान में कामयाब रहे। ये है एक पुलिस ऑफिसर जो 2 साल पहले मुझे पकड़ने आए थे, लेकिन खुद ही पकड़े गए। मैंने तुम्हें कैद में रखा, कड़ी से कड़ी सजा दी। पिछले 2 सालों से तुम मेरे गुलाम, मेरे टुकड़ों पर पलते रहे, फिर भी तुमने मेरे खिलाफ सर उठाने की हिम्मत की। एक पुलिस ऑफिसर आखिरी सांस तक अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन अब तुम्हारी सांसें गिनती की रह गई है। मौत से डरना तो मैंने उसी रोज छोड़ दिया था जिस रोज मैं पुलिस में भर्ती हुआ था। मैं चला जाऊंगा, कोई और आएगा, लेकिन इतना याद रखो, कानून एक ना एक दिन बड़े से बड़े मुजरिम को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और तुम तो मुजरिम ही नहीं बल्कि एक शैतान हो, इंसानियत के दुश्मन। तुम अफीम जैसा जहर पैदा करके दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहे हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। तुम्हारा वो ही अश्रो का जो एक पागल कुत्ते का होता है। बहुत बोल चुके हो, अब तुम्हारा गला सूख गया होगा। जानते हो इसमें क्या है? शर्बत। इसके पीने से तुम्हारा गला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लो पी पी। शाबाश शाबाश, अब ये साबित हो गया कि तुम पुलिस के आदमी नहीं हो। इसका मतलब ये है कि तुमको मुझ पर शक था। लेकिन अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस लाश को बाहर ले जाओ और हर मजदूर को दिखाओ, ताकि आइंदा किसी को खेत जलाने की हिम्मत ना हो। तुम मेरे साथ आओ, आज मैं तुम्हें वो रात बताऊंगा जो आज तक मेरे बहादुर के सिवा कोई नहीं जानता। ये रही मेरी आज तक की मेहनत की कमाई, मेरा काला सोना, जिसकी मांग दुनिया के हर मुल्क में है, हर मुल्क में है। ये कम से कम 1.25 करोड़ का माल होगा। ये मेरी दौलत भी है और मेरी ताकत भी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक और बम और दूसरे और माल के जरिए सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन नहीं, वो सब के सब बेवकूफ है, सब के सब पागल है। मैं अपनी अफीम के जरिए, अपने काले सोने के जरिए सारी दुनिया को सुला सकता हूं। उन्हें उन पर काबू पाकर उन्हें अपना गुलाम बना सकता हूं, और फिर एक दिन सारी दुनिया मेरी इस मुट्ठी में होगी। ये मेरी दिली तमन्ना है, समझे? समझने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक मेरा ख्याल है, ये तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी होने के लिए 1.25 करोड़ साल लग जाएंगे, जबकि ये काम सिर्फ 2 महीने के अंदर हो सकता है। कैसे कैसे? आज शायद तुम 1 महीने के अंदर 20 या 25 हजार रुपए का माल यहां से भेज सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी स्कीम बता सकता हूं जिसके जरिए तुम 1 महीने के अंदर 20 या 25 लाख रुपए कमा सकते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि तुम्हारा इलाका हिंदुस्तान की सरहद से बाहर है, और इस इलाके के सामने जो 2 गैर मुल्क हैं, उनके और तुम्हारे दरमियान सिर्फ एक पहाड़ है, और इसी पहाड़ से तुम्हारा सारा काला सोना दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकता है। यही सोचकर मैं भी यहां आया था। बहुत कोशिश की, बहुत से लोग भी मारे गए, और आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस पहाड़ को पार करना नामुमकिन है, नामुमकिन है, लेकिन मैं मुमकिन कर सकता हूं। इस पहाड़ को चीर, मतलब उसमें सुरंग बनाकर। सुरंग? क्या तुम वाकई सुरंग बना सकते हो? हाँ, लेकिन मुझे काफी तादाद में मजदूर
और डायनामाइट चाहिए। मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। आज तक मेरा काला सोना उस हीरे की तरह था जो तराशा ना गया। तुम्हारी सुरंग उसे कोहिनूर बना देगी, कोहिनूर बना देगी। क्या चाहिए, कितनी दौलत चाहिए बोलो। तुम जितना कमाओगे उसका आधा हिस्सा, 50-50। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है या नहीं? तुम मुझे नहीं मार सकते, इसलिए कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मेरे बिना तुम्हारा ये काला सोना कोहिनूर नहीं बन सकता। तुम्हारी तरह मेरी भी जिंदगी में एक ही तमन्ना है, बेशुमार दौलत का मालिक बनना। और मेरी जिंदगी का भी एक ही उसूल है, मौके का फायदा उठाना। यानी कि मेरी खर्च का फायदा उठाना? करेक्ट। ठीक है हमें मंजूर है, 50-50। उस बेचारे की मौत राकेश की वजह से हुई। शेरा, मैंने तुझसे कई बार कहा कि राकेश पे विश्वास मत कर। हमारे साथ गद्दारी करके वो साला सरदार का आदमी बन गया, और अब एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। नहीं, उस कमीने को मैं आज ही रात को खत्म कर दूंगा। दोस्त पे हमला, और वो भी धोखे से। क्या हो गया तुझे? मेरी आंखें खुल गई है। तुम्हें दोस्त समझ कर आज तक धोखे में रहा, लेकिन उस पुलिस वाले के मौत के बाद। होश में आशेरा, पहाड़ी सेना है, 6 के 6 गोली चला दो, वरना मैं बच गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे अफसोस है कि तू भी मुझे औरों की तरह गलत समझा। पापी सिंह उस पुलिस ऑफिसर को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ता। इस इत्तेफाक ने मुझे पापी सिंह के बहुत करीब ला दिया है। अब वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है। अब उसे खत्म कर देने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाथ मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हें पापी सिंह को मारने का कई बार मौका मिला है, फिर तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? मैंने उसे जानबूझकर छोड़ दिया है, इसलिए कि पहले मुझे चंदन को बचाना है, उसके बाद मैं पापी सिंह के साथ साथ उसकी अफीम और उसके गिरह को खत्म कर दूंगा। मुझे इसके लिए तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जरूरत होगी। इससे पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम पापी सिंह के आदमी नहीं हो। अगर तुझे मुझ पर अब भी यकीन नहीं आता तो ये ले पिस्तौल और मुझे गोली से उड़ा दे। भूल हो गई गुरु, बहुत भूल हो गई। धड़कने बंद होने लगती है, एक घूट पी लेता हूं तो फिर से चालू हो जाती है। लेकिन मेम साहब, तू यहां कैसे फंस गई? भागो जल्दी, अपनी जान बचाओ, मेरे को पीने दो। शर्म करो, आज कई दिनों से दीदी की कोई खबर नहीं है। मैं जाऊंगी माँ। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगी। मैं तुझे हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। चंदन गया, दुर्गा गई, अब तू ही जाना चाहती है। मिस्टर राकेश, काम कैसे चल रहा है?
काम तो ठीक चल रहा है सरदार। वेरी गुड वेरी गुड। काम काफी सख्त है। क्यों? पत्थर काफी सख्त है, वक्त लग जाएगा। राकेश, सुरंग का काम 10 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आज से 10 दिन के बाद अफीम के पौधों पर चीरा लगेगा, और उस दिन मैं मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा जश्न करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुरंग का काम भी उसी दिन पूरा हो जाए। इस बात की मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है सरदार। जानते हो क्यों? इसलिए कि मुझे रुपया चाहिए और मैं आपका 50% पार्टनर हूँ। बहादुर तुम? सरदार मुझे गोली मार दो। क्यों? मैंने इतने अरसे तक वफादारी से आपकी गुलामी की और आज एक अजनबी ने मेरी जगह ले ली। आप उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा करने लगे। हाँ, तुम बेवकूफ बहादुर, समझते नहीं। अभी राकेश मेरे लिए बहुत काम का आदमी है। जैसे ही मेरा काम निकल जाएगा, उसका भी वही हाल होगा जो पुलिस ऑफिसर का हुआ है। कल सुबह अफीम के पौधों पर चीरा लगेगा और इस खुशी में पापी सिंह एक बहुत बड़ा जश्न देगा। दुर्गा, तुम इस जश्न में चमेली के साथ नाचोगी, इसलिए कि पापी सिंह को किसी किस्म का शक ना हो। उसके बाद Thank you.
तुमने वादा किया था राकेश कि आज काम पूरा हो जाएगा। मेरा काम तो खत्म हो चुका, सिर्फ आप ही का इंतजार था। लेकिन इस रूम का दूसरा सिरा कहाँ है? चलिए मेरे साथ। सुरंग का दूसरा सिरा यानी मौत। मौत? किसकी मौत? जो पुलिस के फाइल के मुताबिक बहुत पहले मर चुका है, यानी तुम बाबी सिंह। अगर तुम पुलिस के ही आदमी निकले हैं? नहीं। तुम इस आदमी को पहचानते हो? और से देखो। नहीं, मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा। तुमने इनका खून किया था आज से 15 साल पहले। क्या होगा? मुझे कुछ याद नहीं। कहाँ है ये? मेरे पिताजी। मैं यहाँ इनके खून का बदला लेने आया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे मालूम हुआ कि तुम सिर्फ एक कातिल लुटेरे ही नहीं बल्कि आदमी के वेश में शैतान हो। इसलिए तुमसे पहले तुम्हारे इस पैदा किए हुए जहर को खत्म कर देना बहुत जरूरी हो गया। अफीम के सारे खेत जला दिए गए हैं और तुम्हारा ये आज तक का जमा किया हुआ काला सोना ये रहा जो हमेशा के लिए यहीं दफन किया जाएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में इस सारी सुरंग को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। और साथ में मुझे भी? बेहतर तो यही होता, लेकिन मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा ताकि सारी दुनिया को तुम्हारे गुनाहों का पता चल सके। आज ही तुम जीत गए राकेश, तुमने पॉपी सिंह को खत्म कर दिया। चलो। देखो राकेश, मेरे एक ही इशारे से ये सब के सब मारे जाएंगे और इनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। बाजी पलट गई राकेश, बाजी पलट गई। और बाजी भी कौन सी? जिंदगी और मौत की, यानी कि जिंदगी मेरी और मौत तुम्हारी। अभी अभी पिस्टल फेंक दो, फेंक दो पिस्टल, अभी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। बहादुर देख क्या रहे हो, फेंक दो इसको। काम दो इन दोनों को साथ में। अरे क्या करो बहादुर? बाजी फिर पलट गई सरदार। जिंदगी और मौत की बाजी, यानी जिंदगी मेरी और मौत तुम दोनों की। बहादुर, हर नाटक का, हर खेल का एक अंत होता है सरदार। तुम्हारा खेल भी खत्म हो चुका। तुमने हमेशा मुझे कुत्ता बनाकर रखा, लेकिन तुम ये भूल गए कि हर कुत्ते का एक दिन आता है। ये कैसी बातें कर रहे हो बहादुर? तुझे जो कुछ चाहिए तू ले ले। अरे तू तो मेरा दाया हाथ था, लेकिन आज से कट गया वो हाथ और मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं खुद ले सकता हूं। लगा दो इन दोनों को बारूद, ठकेल दो इन दोनों को सुरंग के अंदर। उन दोनों के खत्म होने के बाद इन सबको गोली मार देना। तुमने बस्तियां उजाड़ी है और अब
ये उन्हीं बस्तियों को बसाने के काम आएगा। मैं तैयार हूँ राकेश, मुझे कानून के हवाले कर दो, मुझे फांसी लगवा दो, लेकिन मुझे